हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। गुड मॉर्निंग। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने पेज नंबर 6 पे डिस्कस कर लिया था, जो टॉपिक था सन स्टेंस एनिमल्स। ओके, इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 10 पे, जो आज का टॉपिक है द फ्लाइंग ब्यूटी। ओके, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं, तो वो जो नेचर का ब्यूटी होता है हमें बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई करते हैं, और बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाइटलेस हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द बर्ड्स दैट फ्लाई इन द स्काई लुक मार्वलस। तो बर्ड्स जो कि फ्लाई करते हैं स्काई में, और ये बहुत अनोखे दिखते हैं। सम और देम आर रियली अमेजिंग, तो उसमें से कुछ जो है बहुत ही अमेजिंग है। पिक्चर्स एंड डिस्क्रिप्शन आर सम ऑफ द बर्ड्स आर गिवेन बिलो। तो कुछ ऐसे बर्ड्स के बारे में पिक्चर्स दिए गए हैं नीचे, और डिस्क्रिप्शन भी किया गया है वो बर्ड्स के बारे में। नेम दिस बर्ड्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। तो ये बर्ड्स का नेम बताना है हेल्प बॉक्स यूज करके। तो सबसे पहले हम क्लूज को पढ़ते हैं, फिर आप बताओगे कि ये कौन सा बर्ड्स है। फर्स्ट में देखेंगे, इट इज द कॉल्ड आउल पैरोट, इसे आउल पैरोट कहा जाता है। फ्लाइटलेस एंडेंजर्ड बर्ड फाउंड इन न्यूजीलैंड। तो ये बर्ड फ्लाइटलेस होता है, और ये इंडेंजर्ड बर्ड होता है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, जिसे हम सभी लोग जानते हैं ककप्पो। जैसा कि आप देख सकते हो, इस तरह से ये दिखाई देता है। सेकेंड में देखेंगे स्टूडेंट, वन ऑफ द टाइनिएस्ट बर्ड, लेस देन 35 ग्राम्स। तो ये सबसे छोटा बर्ड्स होता है। जितने भी बर्ड्स होते हैं तो ये सबसे छोटा होता है, और ये 35 ग्राम से भी कम होता है, जिसे हम सभी लोग जानते हैं आइलैंड रेल। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो। फिर देखोगे थर्ड में, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड, तो ये एक ऐसा बर्ड्स है जो हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है। ये हैवी है, और ये बर्ड फ्लाई करता है, जिसे जाना जाता है ग्रेट बस्टर्ड से। यू कैन सी इन योर बुक एंड आल्सो हियर। फिर देखोगे फोर नंबर पे, दिस बर्ड ऑलवेज फ्लाइज ओवर द सी एंड हार्डली इज सीन ऑन वाटर। तो ये बर्ड हमेशा फ्लाई करते रहते हैं सी के तरफ। और ये हार्डली वाटर में दिखाई देता है। ये यदि वाटर में दिखाई देता है, इट फोर्सेस अदर बर्ड्स टू ड्रॉप फूड्स। तो ये अदर बर्ड्स को फूड ड्रॉप करने के लिए, मीन्स फूड को गिराने के लिए। तो ऐसे बर्ड्स को हम जान सकते हैं जो फ्राइगेट बर्ड है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह से ये दिखाई देता है। फिर इसके आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, फाइव नंबर पे, इट इज अ स्ट्रेंज बर्ड विच बिल्ड अ वॉल अक्रॉस द ओपनिंग ऑफ इट्स नेस्ट। तो ये एक स्ट्रेंज बर्ड है जो कि अपना घोंसला बनाता है ट्री के ऊपर या कहीं वॉल पे किनारे पे। तो इस तरह से ये नेस्ट अपना बनाता है। इट सील्स इट्स सेल्फ फ्रॉम ऑल साइड्स एंड ब्रिंग्स अप इट्स चिक्स। तो ये सील करता है अपने आप से, और सभी साइड से। और ये चूजे को लाता है अपने नेस्ट में। स्टूडेंट्स, तो ऐसे बर्ड्स को हम जानेंगे रेड बिल्ड हॉर्न बिल के नाम से। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बर्ड इस तरह से दिखाई देता है। इसके आगे देखेंगे सिक्स नंबर पे, इट इज द लार्जेस्ट बर्ड विथ विंग्स स्पेस 3 टू
4 meter, ओके, इट इज अ सी बर्ड. तो यह एक सबसे बड़ा बर्ड है जिसके विंग स्पेस 3 से 4 meter तक होता है. ओके, तो इसके विंग्स 3 से 4 meter तक होता है स्टूडेंट्स, और इस तरह से समझ सकते हैं कि ये सबसे बड़ा बर्ड है. इट इज़ अ सी बर्ड, और यह एक सी बर्ड है. ओके, ये सी में मोस्टली पाया जाता है. ओके, तो ऐसे बर्ड को हम जानेंगे एल्बेटर्स. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इसी स्क्रीन पे देख सकते हो. फिर देखिएगा 7th में, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सी बर्ड, या सबसे छोटा सी बर्ड है जो 15 centimeter लॉन्ग होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो केवल 15 centimeter तक इसकी लेंथ होती है, जिसे हम जानेंगे स्टॉर्म पेट्रोल के नाम से. ओके, 8 में देखो कि लार्जेस्ट बर्ड ऑफ प्रे वेज 14 kg. ओके स्टूडेंट्स, तो ये लार्जेस्ट बर्ड है, और ये प्रे करता है, मीन्स शिकारी करता है. ओके, और इसका वेट जो होता है वो 14 kg का होता है. ओके, तो ये बहुत बड़ा बर्ड है. ओके, आप समझ सकते हैं कि ये 14 kg का है, और ये शिकारी भी करता है. ओके, तो जिसे हम जानेंगे ऐसे बर्ड को एंडियन कॉन्डोर. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे इसे भी देख सकते हो. 9 में देखोगे रिमेंस एयर बॉर्न मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, तो ये एक ऐसा बर्ड है, ये अधिक टाइम जो पाया जाता है ये एयर बॉर्न में पाया जाता है, जहाँ पे हवाई अड्डा होता है. ओके ओके, जहाँ पे हवाई जहाज उतरती है, तो वहाँ पे ये बर्ड्स गैदरिंग कर लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं. जिसे बर्ड को हम जानेंगे सूटी टर्न. ओके स्टूडेंट, तो ऐसे बर्ड को हम जानेंगे सूटी टर्न. फिर देखोगे 9th में, ओके, तो ये जो सूटी टर्न बर्ड है ये 3 से 10 years तक रहता है. 9 में देखेंगे पॉइजन्स बर्ड फीथर्स एंड स्किन कंटेन वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइजन्स. तो ये एक ऐसा बर्ड है जिसे हम पॉइजन बर्ड के नाम से जानते हैं, और इसके फीथर्स और स्किन में बहुत ही अधिक पॉइजन पाया जाता है. ओके, तो ये बर्ड को हम कहेंगे ओके हुडेड पितोही. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे बर्ड को हम जानेंगे हुडेड पितोही के नाम से, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो. तो इस तरह से हमने कुछ बर्ड्स के बारे में जाना, और भी इसके अलावा ऐसे बर्ड्स हैं जो हम सभी के नेचर्स में पाए जाते हैं.